गूगल के ऐसे तीन सेटिंग दोस्तों जो बहुत ही कमाल का सेटिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो दोस्तों मैं हूँ आशीष क्रिकेटर एके 9 टेक्निकल से और आज हम बात करेंगे गूगल के ऐसे तीन सेटिंग के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये सेटिंग हमें अपने मोबाइल में कर लेना चाहिए क्योंकि ये सेटिंग अगर हम नहीं करते हैं दोस्तों तो हमारा डेटा लीक भी हो सकता है, कोई अगला हमारे डेटा को देख सकता है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों हमें ये तीनों सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा नंबर का सेटिंग तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि गूगल की ये तीनों सेटिंग हमें क्यों मिले हैं और ये तीनों सेटिंग का क्या काम है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, इन तीनों सेटिंग को हम एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों चलते हैं, इन तीनों सेटिंग के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें तीनों सेटिंग को ऑन करने के लिए अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद हमें थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो गूगल के नाम से हमारे मोबाइल में देखने को मिलेगा और ये हर मोबाइल में देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए गूगल का ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये सेटिंग हमें हर मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे जाना है दोस्तों, यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों हमारा गूगल अकाउंट खुल जाता है और हमें थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेटिंग फॉर गूगल ऐप, तो यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे ऊपर में कनेक्टेड ऐप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसी में हमें दोस्तों क्लिक करना है और यहीं पर दोस्तों हमें पहला सेटिंग मिलेगा। तो पहला सेटिंग ये है दोस्तों कि हम जो भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उसका यूज हम नहीं करते हैं, उसको यूज करना छोड़ दिया है दोस्तों और उसे हम अनइंस्टॉल भी कर चुके हैं, लेकिन उसका डेटा क्या होता है दोस्तों कि हमारे मोबाइल में रन करते रहता है, जो कि हम यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ से वो एप्लीकेशन के डेटा को हटा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि कोई कोई ऐप का डेटा हमारे मोबाइल के पर्सनल डेटा को भी शेयर करता है, तो इसे हमें हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से अनइंस्टॉल ऐप के डेटा को हमें हटाना है दोस्तों, तो क्लिक करेंगे दोस्तों इसमें और डिसकनेक्ट कर देंगे ताकि अनइंस्टॉल ऐप का सारा डेटा हट जाएगा और इसे गूगल पूरी तरह से क्लीन कर देगा। तो ये सेटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा नंबर का सेटिंग भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का सेटिंग है, तो इसके लिए हमें गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों हमें थोड़ा सा नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद दोस्तों हमें सेटिंग फॉर गूगल ऐप में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन देखने को मिलता है गूगल कॉन्टेक्ट सिंक करके, तो इसमें हमें क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे में हमें एक ऑप्शन मिलेगा अल्सो सिंक डिवाइस कॉन्टेक्ट, इसे हमें ऑन कर देना है दोस्तों और अपने मेल से इसे कनेक्ट कर देना होगा। तो ये सेटिंग दोस्तों हमारे मोबाइल के जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है उसको सेफ रखता है। अगर हम इसे मेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों तो ये एक बैकअप फाइल बनाता है हमारे मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट का। तो दोस्तों कभी भी हमारा मोबाइल अगर ख़राब हो जाता है या फिर हमारे मोबाइल गुम हो जाता है या फिर हमारे मोबाइल से हमारे कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट हो जाते हैं, तब ये सेटिंग हमारे लिए बहुत काम आ सकता है, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपने कॉन्टेक्ट नंबर को रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आप अपने मोबाइल में कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेटिंग है। तो दोस्तों तीसरा नंबर का सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसका इंतज़ार आप बहुत देर से कर रहे थे दोस्तों, तो आइए चलते हैं तीसरा सेटिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें गूगल में जाना है दोस्तों। गूगल में जाने के बाद हमें थ्री डॉट में क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यूजेज एंड डायग्नोसिस का, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा ये सेटिंग ऑन है या ऑफ है। अगर दोस्तों ये सेटिंग हमारा ऑफ है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम मोबाइल में बहुत सारा पर्सनल डेटा का यूज करते हैं जिसे हमें शेयर नहीं करना चाहिए। तो अगर ये सेटिंग हमारा ऑफ रहेगा तो शेयर कभी नहीं होगा दोस्तों, और ये सेटिंग अगर हम
फ़ोन कर देते हैं दोस्तों तो हमारा पर्सनल डेटा गूगल के साथ शेयर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ये सेटिंग को हमेशा ऑफ रखिए ताकि आपका पर्सनल डाटा गूगल के साथ शेयर ना हो। तो ये सेटिंग इसी कारण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दोस्तों। तो दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए दोस्तों कि आपको अगला टॉपिक किस चीज़ के बारे में चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो आप लोगों के सामने जल्द से जल्द पेश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, तो आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।